फिर हम लोग बात करेंगे यूनरी ब्लाडर स्टोन के बारे में। यूनरी ब्लाडर स्टोन को हम मेडिकल टर्म में यूरोलिथ भी बोलते हैं, और इसकी डायग्नोसिस को जब हम अल्ट्रासाउंड करके या AUB एक्सरे करके जब हम देख पाते हैं कि स्टोन है, तो हम उस डायग्नोसिस को यूरोलिथियाइसिस कहते हैं। तो यूनरी ब्लाडर स्टोन बिल्कुल ही उसी तरह का होता है जिस तरीके का किडनी स्टोन होता है, और बिल्कुल उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से किडनी स्टोन बनते हैं। अगर आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे यूनरी ब्लाडर स्टोन का, तो आप पाएंगे कि बिल्कुल उन्हीं कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना होता है जिन कंस्टिट्यूएंट्स से किडनी स्टोन बना होता है। लेकिन यूनरी ब्लाडर स्टोन आमतौर पर किडनी स्टोन से थोड़ा बड़े होते हैं साइज में, है ना। हाँ, अगर कोई किडनी स्टोन यूरेटर से होकर के ड्रॉप करता है यूनरी ब्लाडर के ल्यूमेन में, तो हो सकता है वो छोटे साइज का हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टोन अगर शुरू से ही अगर यूनरी ब्लाडर में बन रहा है, तो वो बड़े साइज का होगा। यूनरी ब्लाडर स्टोन ये गाढ़े पेशाब से बनता है, कंसनट्रेटेड यूरिन से। कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होता है कि बहुत से मिनरल्स होते हैं जो यूरिन को गाढ़ा करते हैं, विस्कस करते हैं। तो ये मिनरल्स जो हैं, जो हम जो खाना खाते हैं ना, तो बहुत से डाइजेस्ट होने के बाद फूड क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जैसे प्रोटीन है, है ना, सिस्टीन से आपका ये बनता है, यूरिक एसिड फॉर्म करता है, और बहुत से कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह के क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे टमाटर है, पालक है, है ना, दही है। तो इसे खाने से क्रिस्टल बनते हैं, और ये क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं, एडहियर करते हैं टू ईच अदर, है ना, टू फॉर्म ए लार्ज बिग साइज कैलकुलस। और ये कैलकुलस क्या करता है कि यूनरी ब्लाडर का जो हमारा यूरेथ्रल ओरिफाइस है, तो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने से क्या होता है, पेशाब हमारा रुक जाता है, पेशाब नहीं हो पाता है, और वो क्या करते हैं कि रब करना शुरू कर देते हैं कैलकुलस यूनरी ब्लाडर के अंदरूनी दीवार पे, और अंदरूनी दीवार को खरोच देते हैं, जिससे ब्लड निकलने लगता है, कैपिलरीज ब्रस्ट आउट हो जाती हैं, उसमें से ब्लड्स निकलने लगते हैं, लीक करने लगते हैं, और पेशाब में एडमिक्सचर होकर के आते हैं, नज़र आते हैं। उसके अलावा जो सिम्टम्स है यूनरी ब्लाडर स्टोन का, वो क्या है कि पेल्विक पेन होता है काफ़ी तेज़, और डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, वोमेटिंग टेंडेंसी हो सकती है, वोमेटिंग भी हो सकती है, और कभी कभी क्या होता है, दर्द से फीवर भी आ सकता है। तो हमें चाहिए कि यूनरी ब्लाडर स्टोन्स को अगर से बचना है, तो क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रंक करना पड़ेगा, पानी खूब पीना है, और पेशाब को रोक के नहीं रखना है, ज़्यादा देर तक पेशाब नहीं रोकना, पेशाब लगे तो तुरंत उसको निकालिए, एक्सक्रीट आउट करिए। और हमें ऐसे खाने से परहेज़ करना चाहिए जो क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे टमाटर कम खाना चाहिए, पालक वगैरह तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी जिसको स्टोन का प्रॉब्लम है या जो बचना चाहता है, तो परहेज़ कर सकता है। चिकनी सामान नहीं खाना है, घी तला हुआ सामान, है ना, बहुत ग्रेवी वाला सामान से परहेज़ करना चाहिए, तो इस तरह से आप स्टोन से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को स्टोन हो गया है, तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करा के उसका मेजरमेंट करा ले कि कितना बड़ा स्टोन है, है ना, और उसके बाद उस सर्जन से मिले जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, पार्टिकुलर फील्ड है, तो वहाँ जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। अगर यूरोलॉजिस्ट को लगेगा कि स्टोन छोटा है, तो वो क्या करेगा कि दवा मेडिसिन से जो है उसको तोड़ करके उसको डिसॉल्व करके निकालने की कोशिश करेगा। अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है, तो यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करेगा कि आप ऑपरेशन करा लें। तो आजकल बहुत एडवांस टेक्निक हो गई है।